और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है वो कहीं ना कहीं थमती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का अब ये आरोप है। रवि ठाकुर ने कहा कि मेरे घर का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर भी आप देखें किस तरीके से रास्ता वहां पर बंद कर दिया है, और कांग्रेस के ये बागी विधायक हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं। पूरी कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जो रार वहां पर चल रही है उसको थामा जाए, और ऐसे में थमती हुई नजर जरूर आई, लेकिन जो छह विधायक हैं, जो छह बागी विधायक हैं, अब उनकी चुनौतियां यहां पर बेशक बढ़ेंगी, क्योंकि उनको आज पहले तो अयोग्य घोषित कर दिया, और उसमें से जो एक विधायक है अब उनका यह दावा है कि उनके घर जाने वाला जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईंट वहां पर लगी हुई है, ईंट इकट्ठा कर दी गई है, और आगे जाने वाला जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। बकायदा कुछ जवान भी वहां पर आपको खड़े दिखेंगे, और वन विभाग की ओर से रास्ता फिलहाल यहां पर बंद किया गया है। कहा जा रहा है कांग्रेस के ये बागी विधायक है रवि ठाकुर जो कह रहे हैं कि मेरे घर का रास्ता बंद कर दिया गया है, वन विभाग पर रास्ता बंद करने का उन्होंने ये आरोप लगाया। तो हिमाचल की कलह को सुलझाने का काम दो पर्यवेक्षकों की ओर से किया गया। हालांकि स्थितियां फिलहाल वहां पर एकदम ठीक हो चली हैं। इससे पहले लगातार ऐसा लग रहा था कि सुक्कू सरकार संकट में आ सकती है, लेकिन सत्ता का संतुलन बरकरार रखने के लिए पूरे प्रयास कांग्रेस आलाकमान की ओर से वहां पर किए गए, और ऐसे में अब जयराम ठाकुर ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, जयराम ठाकुर का ये कहना है कि स्पीकर का व्यवहार कांग्रेस नेता जैसा है और सरकार बचाने के लिए नियमों की अनदेखी यहां पर हो रही है, और लोगों के दिल से कांग्रेस उतर गई है, ये उनका कहना है। बीजेपी की ओर से ये आरोप है जयराम ठाकुर की ओर से। विक्रमादित्य तय करें कि आगे क्या करना है, कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, ये जयराम ठाकुर की ओर से तमाम बयान अब सामने आ रहे हैं। और इससे पहले कई सारे जो बागी विधायक थे, जो छह बागी विधायक थे, उनकी मुलाकात भी जयराम ठाकुर से हुई थी। हमारे साथ हैं जयराम ठाकुर जी। ठाकुर जी, जिस तरह से आज विधायकों को, जो कांग्रेस के बागी विधायक थे, उनको स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी, क्या आप लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बच गई है, राहत मिल गई उन लोगों को? देखिए, सरकार बचाने के प्रयास जिस प्रकार से हुए हैं उसमें इस बात को देखा कि सारे नियम कानून विधानसभा के ताक पर रखते हुए धज्जियां उड़ाई गई है। मुझे कभी भी ये कल्पना नहीं है, मैं हिमाचल की विधानसभा में वर्षों से हूँ, 27 साल से हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा कि जिस दिन बजट पारित होना है, बहुमत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि ऑपोजिशन के 15 विधायकों का सस्पेंशन कर देना, उनको निलंबित कर देना, तब जाकर के बजट पारित हो रहा है, तब जाकर के सरकार बच रही है। और ये घटनाक्रम आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है। कांग्रेस के विधायक नाराज होकर के अपनी बात को कब से कह रहे हैं? आखिरकार कुछ विधायकों ने कोई निर्णय किया कि हम कब तक इस तरह से बोलते रहेंगे? 15 महीने हो गए हमको बोलते हुए, सरकार में हमारी बात सुनी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही है, जलील किया जा रहा है। उन्होंने कदम उठाया, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सहयोग किया, उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। आखिर ये क्रम कब तक चलेगा? आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की स्थिति यह है कि दिल दिमाग से लोगों के उतर गई और लोगों की नज़र से उतर गई। पूरे देश ने देखा इस बात को कि बजट सत्र में बजट पास करने के लिए विपक्ष के विधायकों का नंबर कम करने के लिए, संख्या को कम करने के लिए उनको सस्पेंड कर दो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जयराम ठाकुर को यहां पर आप सुन रहे थे, उनकी ओर से आरोप यहां पर कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, और जनता के दिल से उतर गई है कांग्रेस, ये उनकी ओर से कहा गया। लेकिन आज हिमाचल की सियासत में बहुत कुछ होता रहा, और कांग्रेस प्रयास करती रही कि उसकी सत्ता बची रहे। और हिमाचल में मचे सियासी भूचाल के बीच विक्रमादित्य सिंह ने पर्यवेक्षकों के साथ अलग से एक बैठक की। बैठक में प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। बैठक के बाद डीके शिव कुमार ने हिमाचल में सब ठीक होने का दावा किया और कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं,
और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, यहाँ हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया, मुख्य तौर पे यही बातें। क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर। आपने जो इश्यूज रेज किए थे, आपने इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमांड के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप बार बार प्रश्न पूछते हैं, हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस। और कुछ देर बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ ही पल में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और माना यह जा रहा है कि कल यानी 1 मार्च को बीजेपी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और पहली लिस्ट में वो सीटें शामिल होंगी जिन पर बीजेपी 2014 और 2019 में चुनाव हार गई थी, और ऐसी सीटों के करीब 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम पर आज की मीटिंग में मुहर लग सकती है। उस पर मंथन हो सकता है किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किसी सिटिंग उम्मीदवार को दोबारा मौका दिया जाए या फिर नहीं, ये तमाम फैसले इसमें मीटिंग में लिए जा सकते हैं। और कुछ देर बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बड़ी बैठक होने वाली है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, और उसमें बड़े फैसले बीजेपी ले सकती है। और कुछ ही पल में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये पूरी बैठक होगी, नामों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले चर्चा बेशक यहां पर जरूरी है। और सबसे पहला फोकस होगा उन हारी हुई सीटों पर, जो 2014 और 2019 में बीजेपी हार गई थी, उन उम्मीदवारों के नामों पर ही ये पूरी चर्चा यहां पर होगी। और बैठक में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जानी है, और माना यह जा रहा है कि कल यानी 1 मार्च को बीजेपी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तैयारी जोर शोर पर है बीजेपी की, और कल पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों पर आज चर्चा होनी है और उसकी तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे। कुछ ही देर में ये बड़ी बैठक होगी बीजेपी की और पहली लिस्ट में वो सीटें शामिल होंगी जिन पर बीजेपी 2014 और 2019 में चुनाव हार गई थी। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कितनी देर में बैठक शुरू होनी है, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, करीब 7 से 7:30 बजे के बीच में यह बैठक शुरू होने की संभावना है, और पीएम के आने का जो अभी तक का प्रस्तावित कार्यक्रम है वह है करीब 8 बजे के। तो ये तो हुआ शेड्यूल, लेकिन जहां तक इस बैठक का सवाल है, बेहद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि इस बार जो मुख्य फोकस है हारी हुई सीटें हैं, और इसके अलावा बीजेपी का फर्टाइल ग्राउंड खोजना, मतलब कि उन जगहों पर जहां पर पार्टी परंपरागत रूप से उसको थोड़ी सफलता मिली है लेकिन इससे ज़्यादा सफलता मिल सकती है, मसलन तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों में कैसे सफलता दोहराई जाए, ये आज की बैठक का मुख्य मुद्दा होगा। और जो ये सीटें जो अनाउंस होंगी, इन सीटों से, इन राज्यों से ज़्यादातर सीटें होंगी, इसके अलावा जिन सीटों पर पार्टी कमज़ोर है उन सीटों पर भी उम्मीदवारों पर मंथन होगा और उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। पूरी संभावना है कल करीब 100 से 120 से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका अनाउंसमेंट कल अनाउंस होने की उम्मीद है। और कुल मिलाकर एक पार्टी, कैसी पार्टी, राष्ट्रीय परिषद जिसकी हुई हो कुछ दिनों पहले, आत्मविश्वास से लबरेज है क्योंकि उसको चुनावी जीत मिली हुई है, इस मोमेंटम को वो बरकरार करना चाहती है और अपनी इस पहली जो सूची में ये सारी चीज़ें परिलक्षित होंगी। लगातार कोर ग्रुप की बैठकें चली हैं और एक दो नहीं, करीब 7 से 8 कोर ग्रुप की बैठकें चली हैं और देश भर के पदाधिकारियों का, प्रभारियों का इसमें फीडबैक लिया गया है।
जी अमित, 100 से 120 नाम वो होंगे जिन पर आज चर्चा होने वाली है। ऐसे कौन से वो बेहद अहम नाम होंगे जिन पर सबसे पहले प्रमुख रूप से उनको प्रमुखता से चर्चा वहां पर होनी है? देखिए, जो पार्टी के जो प्रमुख सीटें हैं, जैसे बनारस है, गांधीनगर है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की सीटें हैं, इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान प्रमुख उम्मीदवार हैं उनकी भी उम्मीदवारी पर यहां पर चर्चा होगी, इसके अलावा कर्नाटक की कुछ सीटों पर चर्चा होगी। तो ये कुछ नाम हैं, महत्वपूर्ण नाम हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर चर्चा होगी। और कुल मिलाकर एक जो पार्टी है वो ये दिखाना चाहती कि इस सीटों की सूची से एक बेहतरीन होमवर्क वो तैयार करके आई है। महत्वपूर्ण नेताओं का तो नाम इसमें इस सूची में होगा ही, साथ ही साथ कुछ एक ऐसे नाम भी होंगे जिससे पार्टी की अपनी भविष्य की रणनीति के रूप में उन चेहरों को पार्टी प्रोजेक्ट कर सके। तो बेहद बहुत बड़े सरप्राइजेस के लिए भी हमें ये तैयार रहना चाहिए। जी, तैयारी उसी के लिए बीजेपी भी लगातार यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रही है और कुछ ही देर में यहाँ पर चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। कौन कौन शामिल होने वाले हैं इस चुनाव समिति की बैठक में अमित? देखिए, इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के जो और अन्य पदाधिकारी हैं वो यहां पर शामिल होंगे। और करीब 7 से 8 बजे के बीच में पीएम के आने की उम्मीद है, 7 बजे के आसपास इस बैठक के शुरू होने की संभावना है। सिलसिलेवार तरीके से हर एक नामों पर चर्चा की जाएगी। बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। क्यों है रणनीतिक बदलाव? क्योंकि पहले जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती थी तो नाम जो है वो फाइनल कर लिए जाते थे और उसके बाद या उन नामों पर बस मुहर लगती थी, लेकिन अब यहाँ पर विस्तृत तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से एक एक नाम पर इस बैठक में चर्चा होगी। और खुद बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, शीर्ष रणनीतिकार हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जिनके नामों का मसलन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, और इन नेताओं के आगे से एक एक नाम की ये चर्चा होगी और तब यह जो लिस्ट है वो सामने आएगी, ये दिखाने के लिए, देश भर में संदेश देने के लिए कि किस तैयारी से पार्टी ने होमवर्क किया है।